अब हम आपको बजाज N150 का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं कितना डीबी तक जाता है। ऑन करते हैं, अब हम आपको बजाज N150 का हॉर्न प्रेस करके बताते हैं कितना डीबी तक जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, प्रेस करते हैं। बजाज N150 में आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है। अब हम आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं कितना डीबी तक जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, बाइक स्टार्ट करते हैं। आपको बजाज N150 का एग्जॉस्ट साउंड का थ्रॉटल देके दिखाते हैं कितना डीबी तक लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लाइट्स मिलती है छोटी छोटी, देखिए देखते हैं इंडिकेटिंग लाइट्स, ये हॉर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, इंजन क्यूल स्विच ऑन ऑफ, सेल्फ स्टार्ट बटन, पास, इसमें स्लीपर क्लच आपको नहीं मिलता है। ये इसका कुछ लुक, इसमें आपको फुट रेस्ट फ्लेक्सिबल मिलते हैं, देख सकते हैं फोल्ड हो रहे हैं। ये पिलियन सीट के लिए फुट रेस्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये आप जब किक स्टार्ट करोगे तो इस टाइप से करोगे तो आपकी किक लगेगी। अगर आपका फुट रेस्ट नीचे होगा तो किक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में यहाँ पर डिस्टर्बेंस आएगी, ये आपको फोल्ड करना पड़ेगा फिर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा है कुछ इसका लुक। इसमें आपका E20 फ्यूल नॉब्स है, इसमें चलता है फ्यूल E20। और ये आपका
USB चार्जिंग पोर्ट है इसमें, अपना मोबाइल फ़ोन आप यूएस चार्ज कर सकते हैं केबल लगा के। आपको इसमें इंडिकेटर्स थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मिलते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, देख सकते हैं ऐसे हैं इसका कुछ फ्रंट इंडिकेटर्स का लुक, देख सकते हैं थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। इसमें फुली LED टेल लाइट मिलती है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। फ्रंट लाइट भी फुली LED है, LED DRL सर, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इतना अच्छा लग रहा है। एग्रेसिव लुक लग रहा है एकदम, आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट लाइट, हेड लाइट पूरी LED, सॉरी इसमें DRLs नहीं मिलते हैं, ये पूरी हेड लाइट ही है। मुझे लगा शायद ये दो DRLs होंगे, बट DRLs नहीं है। इसमें आपको पूरा डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, सॉरी पूरा तो नहीं, ये हाफ एनालॉग एंड हाफ डिजिटल मिलता है। ये बैटरी इंडिकेटर ABS, राइट साइड इंडिकेटर, लेफ्ट साइड, अब देखिए मैंने इसका इग्निशन ऑन करा, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट, इसमें ऑरेंज कलर की लाइट आ गई है, हाई बीम लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल, फ्यूल, टाइम, किलोमीटर, ये आपको गियर शो करेगा, ये RPM, ऐसा है इसका कुछ मीटर कंसोल। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रॉयल इनफील्ड की सुपर मेटियोर 650 बाइक का इग्निशन साउंड, हॉर्न साउंड, एग्जॉस्ट साउंड। अब हम आपको बाइक का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं, अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, प्रेस करके दिखाते हैं आपको, आप कमेंट करके बताएं कितना लाउड गया। बाइक में आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है, अब आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। बाइक को स्टार्ट, इग्निशन ऑन किया है, बाइक स्टार्ट करते हैं सर। आप देख सकते हैं रेडिएटर लगा हुआ है, फैन की स्पीड भी आ रही है।
अब बाइक को हम स्टार्ट करके थ्रॉटल देंगे कि एग्जॉस्ट नॉट कितना हाई जाता है। टीवी मीटर देखिए आप नॉर्मल कितना आ रहा है। बाइक को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सर को बोलेंगे थ्रॉटल दीजिए। कमेंट करके बताएं हाई डीवी साउंड कितना गया। डीवी एग्जॉस्ट सुपर मेटियोर 650। बाइक में आपको टेल लाइट पूरी फुल एलईडी मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं हैलोजन इंडिकेटर है और हज़ार स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। और सिंगल हॉर्न सिंगल इंडिकेटर ऑन करेंगे। ये लेफ्ट साइड राइट साइड का करेंगे। राइट साइड का इस टाइप की लुक है। बैक लुक फ्रंट में आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलती है। आप देख सकते हैं इस टाइप की है। डीआरएल ऑन है। बाइक को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फुल लाइट ऑन हो गई है। हाई बीम करेंगे या हाई बीम लो बीम पास का आप देख सकते हैं इस टाइप की लुक है इसकी बाइक की। फ्रंट लाइट हजार स्विच ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रंट से राउंड शेप में फुली एलईडी है और आपको हजार स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड मिल रहे हैं और आपको इंडिकेटर हैलोजन बल्ब हैं साथ में लगे हुए। सिंगल करके दिखाते हैं आपको। लेफ्ट साइड राइट साइड इस टाइप का है कुछ ऐसा लुक। इंडिकेटर ऑफ करेंगे। लाइट ऑफ करेंगे सर। ऑफ करने के बाद कुछ इस टाइप की दिखेगी। बाइक में राइट लेफ्ट साइड को आपको दिखाते हैं आपको क्या मिलता है। इसमें आपको क्या क्या फीचर क्या क्या मिलते हैं सर। ये आपका मोबाइल चार्जर है। ठीक है। ये गाड़ी की टूल किट होती है। ये टूल किट है सर। और ये गाड़ी के फ्यूज होते हैं जो ठीक है। सेंसर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज कोई भी अगर डिफॉल्ट आएगा तो फ्यूज हो जाएगा। हम चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं। इस टाइप ऐसा है उसको लॉक कर दीजिए। साइड का जो है ये ओपन नहीं होता है बस खाली ऐसी है। और लेफ्ट साइड का ओपन होके हमने दिखा दिया है। और इसमें आप कैरी कर सकते हैं कुछ भी सब्जी लेके आ रहे हैं कुछ अपना बैग कर रख सकते हैं कुछ छोटे हुए सामान। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के इसके इंजन के फुट रेस्ट हैं। काफ़ी अच्छी ग्रिप है। रबर काफ़ी अच्छी है। राइडर के लिए भी फ्लेक्सिबल फुट रेस्ट मिलते हैं। होप भी है कि हीटिंग ना हो यहाँ पर आपका ऐसे पैर आएगा तो गर्म ना लगे। और ब्रेक भी आपके काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। काफ़ी अच्छी पैडिंग है ये आप देख सकते हैं। और जैसे बाइक अगर स्लिप होती है गिरती है तो ये फ्लेक्सिबल हैं तो इस करके फोल्ड हो जाएंगे। तो आपका पहले बाइकों में था टूटता था अभी देखिए। और रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग भी है तो काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही एलियन के लिए फुटरेस्ट मिलते हैं। रबर काफ़ी अच्छी है कुशनिंग। इस साइड भी गेयर लीवर्स ये आप देख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर फ्लेक्सिबल है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। और काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है यहाँ पर रखने के लिए पैर। ये है कुछ इसका इंजन का लुक। और अलॉय डिस्क फ्रंट एंड रियल में
ड्यूल डिस्क में आती है, ड्यूल एग्जॉस्ट नोट है, शॉकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट में शोभा के काफ़ी अच्छे शॉकर्स हैं, सीट्स भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ड्यूल सीट और सिंगल सीट। सर ये सिंगल सीट भी हो जाती? सर कह रहे हैं सिंगल सीट भी बन जाती है, आपने अगर यूज़ ना करनी हो तो आप निकाल सकते हैं उसका सिंगल सीट। ये आप देख सकते हैं सिंगल सीट हो जाएगी, यहाँ से स्क्रू दे रखे हैं, ये खोल के आप सिंगल सीट बना सकते हैं। इस टाइप की है रॉयल इनफील्ड की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक ऑफ ऑन इग्निशन, इस टाइप से सर बताएंगे कैसे की। इग्निशन ऑन होके बाइक ऑन स्टार्ट करके और आप राइड पे जा सकते हैं। बाइक में आपको दोनों साइड कैरियर मिलते हैं छोटे से, इसमें आप अपना पॉलिथीन को सब्जी या कुछ रख सकते हो, साइड साड़ी गार्ड मिलता है, और ये अपना स्टैंड लगाने के लिए भी आप देख सकते हैं, स्टैंड से उतारने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी, यहाँ पर सामान रखने के लिए। अभी हमको सर बताएंगे स्टैंड अगर हमने ड्यूल स्टैंड से उतारनी है तो कैसे उतारेंगे सर, आप देख सकते हैं ये देखिए ऐसे, और आपने स्टैंड भी अगर बाइक को चढ़ाना है तो यहीं से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बाइक में ड्यूल स्टैंड में आप लगा सकते हैं बाइक को, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है इससे, काफ़ी हेल्प हो सकती है आपकी, और साइड गार्ड साड़ी गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। सर ये एसेसरीज़ में आता है कि कंपनी से आ रहा है? कंपनी से फिटेड आ रहा है, इसलिए एसेसरीज़ आपको अलग से परचेज़ नहीं करनी, आपको साथ में ही है बाइक में, ये भी साथ में है, ये भी इस साइड भी आपको साथ में ही मिलेगा। ड्यूल स्टैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हैं आप नीचे से, और साइड स्टैंड यहाँ से आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ से पैर लगा के साइड स्टैंड लग गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छे दे रखे इंजन। अब हमें सर बताएंगे बाइक के फीचर्स, प्लीज़ सर। सर पहले तो इसको इसका डिजिटल एनालॉग डिजिटल मीटर है, ठीक है सर, ये विद गूगल नेविगेशन विद आपको इस बाइक में मिलेगा इन बिल्ट, ठीक है जी। और यहाँ से हम इग्निशन को ऑन करते हैं एंड देन पार्किंग लाइट्स है, इसके हैजार्ड लाइट जिसको बोलते हैं, वो आगे पीछे के जो फॉग में बारिश के टाइम पे हाईवे पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हैजार्ड स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड आते हैं, तो इस टाइप की लुक है इसकी। अब दोबारा हम सर के पास चलते हैं, यहाँ से इसके ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे शो होंगे जब आपकी बाइक स्टार्ट करोगे आप, जैसे EFI सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होता है, ठीक है सर। उसके शोवा के शॉकर्स हैं इसके, जो टॉप 5 में ब्रांड्स में कंपनी आती है शोवा के, ठीक है सर। और इसका ये हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर नॉर्मल है, आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो एंड देन सिंगल बीम, ठीक है सर। और ये हॉर्न, उसका मोबाइल चार्जर इसका इसके अंदर होता है लेफ्ट साइड पे, वो हमें सर बाद में दिखाएंगे, पहले इसके फीचर्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला फीचर जी आई स्मार्ट बटन है, जिससे आप टाइम टू सेट कर सकते हो अपने बाइक का, ट्रिप मीटर ज़ीरो कर सकते हो, इसमें स्लीपर क्लच आता है जी, ये आप एडजस्टेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लूज टाइट आपके अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको यहाँ पे दूर लॉन्ग पास में करना तो आप इजीली सेट कर सकते हो यहाँ। और इसमें आप बता दीजिए क्या क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? फ्यूल इंडिकेशन हो गया जी, ये आपका इंजन का हो गया साइन, ABS बैटरी एंड
फ्यूल। इसमें हाफ आपको एनालॉग मिलता है और हाफ डिजिटल मिलता है, ठीक है जी। मैं आपको ये फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है, फ्यूल फिल कराओगे तो फुल दिखा देगा। यहाँ पर ये आपको गेयर शो करेगा, इसमें किलोमीटर ये ट्रिप फोन पे में आ रही है, ये टाइम आपका दिखा रहा है। तो काफ़ी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। इसका जैसे आप यहाँ से आपने क्लच देखा था, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, दूर कर सकते हो अपने हैंड के अकॉर्डिंग जहाँ आपको कंफर्टेबल रहता है। एंड देन वो सारा सेम फॉर हैंड ब्रेक, रेयर ब्रेक। दोनों साइड आपको राइट एंड लेफ्ट में एडजस्टेबल गियर लीवर मिलते हैं, क्लच मिलते हैं, आप चेक देख सकते हैं। बाइक में आपको E20 फ्यूल स्पोर्ट मिलता है। सर हमको बताएंगे कि ओपन कैसे होता है फुल टाइम। इस टाइप से फ्यूल ओपन करके फुल फिल कर सकते हैं, टाइम को क्लोज करते हैं, क्लोज हो गया। और 650 का A20